हेलो दोस्तों, क्या आपका भी वीवो का फोन आपसे लॉक हो गया है? वीवो का फोन आपका लॉक को अनलॉक करना नहीं आता है? तो फ्रेंड, अगर आप हमारे वीडियो पे आए हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कि वीवो मोबाइल में लॉक को अनलॉक कैसे किया जाता है। वीवो का कोई भी मॉडल क्यों ना हो, वीवो का 3G फोन हो, 4G फोन हो या 5G फोन हो, या आपके वीवो के फोन में पिन लॉक हो, पैटर्न लॉक हो या पासवर्ड लॉक हो, घर बैठे ही आप अपने हैंडसेट को अनलॉक कर सकते हो बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा को वेस्ट किए। आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होगा। फ्रेंड, क्या करना है, बस आपको बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। 3 मिनट का वीडियो होगा, आपका फोन घर बैठे ही अनलॉक हो जाएगा, 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ। अनलॉक कैसे करेंगे, आप हमें बस फॉलो करोगे तो आप इस वीडियो को जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे आप फॉलो करोगे तो आपका फोन भी अनलॉक हो जाएगा। तो आइए मैं पहले फटाफट वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो जैसा कि देख रहे हो, हमारे फोन में पासवर्ड लॉक हो, पैटर्न लॉक हो या पिन लॉक हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें क्या करना है, ये एयरप्लेन मोड का ऑप्शन ओपन कर लेना है। अगर नहीं हो रहा है एयरप्लेन मोड का ऑप्शन ओपन, तो अपने फोन में से सिम कार्ड को निकाल लीजिएगा। ये दो काम में से कोई एक काम कीजिएगा और इसके बाद आप लॉक स्क्रीन पेज पे आओगे, कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा और आपको यहाँ पे जस्ट नीचे देखोगे तो इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन दिखेगा। इमरजेंसी कॉल को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आप आ जाइएगा इमरजेंसी कॉल के पेज पे। इमरजेंसी कॉल के पेज पे आने के बाद आपको एक कोड दिया जाएगा सर्विस सेंटर का, ठीक है ना। ये कोड आप अपने फोन में ध्यान पूर्वक एक एक अंक मिला के कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इस कोड को आपको एक्टिवेट करना है सर्विस सेंटर से। यहाँ पे कॉल वाला ऑप्शन आएगा, कॉल पे आप क्लिक कीजिएगा तो ओके का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपसे परमिशन मांगेगा, आपको ओके कर देना होगा और इस कोड को इरेज कर लेना होगा। बस इतना काम कर लीजिएगा तो ये कोड आपका ऑटोमेटिकली ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद फिर हमें यहाँ पे मास्टर अनलॉकिंग कोड यूज करना है, *#899#। ये कोड को डायल करने के बाद आप आ जाइएगा इंजीनियर मोड के फाइल पे। इंजीनियर मोड के फाइल पे आने के बाद आपको यहाँ पे 4 नंबर मैनुअल टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा और 2nd नंबर डिवाइस पे आने के बाद सेंसर सेल टेस्ट कैलिब्रेशन यहाँ पे ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देख सकते हो हमारे फोन में दो सेंसर दिख रहा है ना, देख सकते हो, या जिसमें यहाँ पे ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड है, देख सकते हो दोस्त, ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड है। तो दोनों को क्लिक करके यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। दोनों में से कोई एक सेंसर को पास होना जरूरी है। एक सेंसर पास हो गया, दूसरा फेल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैक कर लेंगे, नीचे आएंगे, एम सेंसर ऑटो टेस्ट पे क्लिक करेंगे, टेस्ट सक्सेसफुल, होम बटन क्लिक करेंगे, हमारा वीवो का हैंडसेट घर बैठे ही अनलॉक हो गया बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा को वेस्ट किए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।